तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो हमारा क्या है? सर्कल। और सर्कल के अंदर हम लोग बेसिक चीजों को समझेंगे कि सर्कल के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स पे चलते हैं बच्चों। तो सर्कल हम पहली बार देख रहे हैं, मतलब पहली बार क्लास में देख रहे हैं, पहले तो आप लोगों ने पढ़ा ही था। तो अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन बोलूं, पता है किसी को डेफिनेशन? हाँ, सर्कल इज इक्वल। सर हाँ बोलो। सर सर्कल इज अ क्लोज फिगर इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। बहुत बढ़िया। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज। क्या बोलते हैं बेटा उस पॉइंट को? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलते हैं? द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। इतना लिख डालो, बना लो एक सर्कल, बना लो और लिख डालो, मैं इसके सामने ही आ गया, मैं हट जाता। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। इस सर्कल में अगर हम बात करें तो जो फिक्स्ड पॉइंट है बेटा उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसी को हम सेंटर बोलेंगे। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस। और वो सारे पॉइंट्स ये हैं, इन सभी पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, एक कलेक्शन कर दिया जाए तो हमारा एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, नहीं सर, लिख रहा हूँ 1 मिनट। लिख रहे हो? ओके। हो जाए तो बताना। ओके सर, आदित्य बेटा आप भी लिख रहे हो? सर ओके, बना लो बेटा, अच्छे से अच्छे से लिखो, अच्छे से हम नोट्स बनाएंगे।
हो गया। हो गया? ओके बहुत बढ़िया। कौन से नंबर का चैप्टर है? ओके नाइन है शायद। नाइन तो नहीं, मतलब तुम्हारी बुक में नाइन होगा, मेरी थोड़ी पुरानी बुक है ना, गरीबों वाली है। हेलो, तो लोन दे रहे हैं मुझे। टेंथ है। तो सर्कल्स 1 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए, बैंगल, चूड़ी, कोई भी चीज। क्या है डेफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। ये आपने लिख लिया, बना भी लिया। सर्कल के 3 हिस्से होते हैं। सर्कल के कितने हिस्से होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है बेटा सर्कल यानी बाउंड्री, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। ठीक है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन विच इट लाइज इंटू 3 पार्ट्स। इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो नोन एज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल यानी बाउंड्री एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आउटसाइड द सर्कल। ये लिखने की जरूरत नहीं है तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, है ना? अच्छा द कॉर्ड। अच्छा कॉर्ड और क्या होती है बेटा? कॉर्ड समझ लो क्या होती है। कॉर्ड पता क्या होती है किसी भी सर्कल में? बोलो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? कॉर्ड कैसे समझोगे आप लोग? कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पार्ट को टच करे। ए लाइन विच टचेस द सर्कल एट 2 एंड पॉइंट्स। ये लाइन नहीं बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है। लाइन सेगमेंट विच टचेस द 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज नोन एज द कॉर्ड। कॉर्ड समझ में आ रहा है? यस सर। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 एंड पॉइंट्स। ऑफ द सर्कल। ठीक है। हाँ एंड पॉइंट छोड़ो, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। समझ में आ रहा है? तो इसका एक नामकरण भी हो जाता है बेटा। जहां जहां ये टच करती है ए बी लिख देते हैं, तो हम इसको बोल देंगे कॉर्ड ए बी। ठीक है। अब कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी में मतलब अंतर समझो बेटा। कॉर्ड ए बी होती है बेटा यहां से यहां तक की लेंथ। ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे हम कॉर्ड ए बी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे आर्क ए बी। समझ में आ रहा है? कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी दोनों समझ पा रहे हो? आर्क ए बी होती है बेटा यहां से यहां तक की लेंथ, और कॉर्ड ए बी हो गई ए से बी की लेंथ। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट समझ लो, और ये आपकी डिस्टेंस समझ लो। ठीक है। अब जो भी कॉर्ड आपकी सेंटर से पास होती है, जो भी कॉर्ड आपकी सेंटर से पास होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। वो क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और उसी का नाम होता है डायामीटर। क्या नाम होता है उसका? डायामीटर। हम बोलते हैं डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है। ये समझ में आ गया? ये वैसे भी पता ही होगा आप लोगों को। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायमीटर को हम एक रिलेशनशिप में बांध देते हैं। आप देखो डायमीटर के सेंटर के इधर भी एक रेडियस है, यहां से अगर मैं इसको बांट दूं तो यहां से यहां तक बेटा एक रेडियस है और यहां से यहां तक एक रेडियस है। तो हम बोल देंगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर।
जहां पे डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। लिखते जा रहे हो ना तुम लोग साथ साथ, मुझे बोलना नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं बार बार यस बोलूं? अपने आप लिखते जाओ बेटा, ये आपके नोट्स बन जाते हैं दिमाग में। हम लिखते इसलिए नहीं है कि हमें बाद में पढ़ना है, ना ना ना, पढ़ता कोई नहीं है। हम लिखते इसलिए हैं कि हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए। कौन से रजिस्टर? जिस रजिस्टर में हम लिख रहे हैं हमारे दिमाग में चला जाता है। कनेक्शन है ना, एक पेन के थ्रू इलेक्ट्रिकल वेव्स जाती है ऐसे हाथों के थ्रू धीरे धीरे करके ब्रेन में। अगर तुम्हारा ब्रेन नहीं होगा तुम लिख पाओगे? बोलो, लिख लोगे? समझ नहीं पाओगे क्या लिख रहे हो? तो लिखते समय हम रजिस्टर, जो रजिस्टर वहां है वो दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। हो गया? नो सर। अच्छा, अपने कुछ स्टूडेंट्स के अंदर परिवर्तन देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं जो शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तब लगता है कि हाँ यार, चलो अच्छा पढ़ा रहे हैं हम लोग, या बच्चा अच्छा इम्प्रूव कर रहा है। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी बच्चा डल नहीं होता। वो तारे जमीन पर मूवी में बोलते हैं ना कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशेष क्षमता होती है। और मैंने देखा बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, पिछले 2 साल की मेरी जो जर्नी रही है टीचिंग की, इसमें मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बेचारे शुरू में अच्छी एजुकेशन या अच्छे टीचर को ना मिलने की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा टीचर हूँ, लेकिन एक छोटी सी थोड़ी सी गाइडेंस बस उनको दी है और उन बच्चों ने ऐसा बूम मारा है। मजा आ गया देख के। आज आदित्य के बारे में मुझे ये बात कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया आदित्य। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आदरीजा को पता नहीं, अभी हम थोड़ी देर पहले आदित्य का पेपर डिस्कस कर रहे थे एंड ही स्कोर्ड 90% इन इस मिड टर्म। वाह, यस, 90% मार्क्स, मतलब 80 में से 72 आए उसके। ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट। मेरी एक और स्टूडेंट है, उसके 60 में से 55 या ऐसे 56 आए, उसका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। शी इज इन 7th ग्रेड। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आदरीजा तो पहले से टॉपर टाइप की लग रही है मुझे तो। सो आई गेट रियली बैड इन मैथ, लाइक आई कैन हाँ नेवर कंप्लीट द पेपर। तो अब तो कर लेना ये बच्चे मेरा नाम यस सर। रोशन कर रहे हैं, तो मेरा नाम मतलब झंडू सिंगा मत कर सर देना मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। और तुम्हारे पापा मम्मी तो मुझे फोन करते रहते हैं बीच बीच में, मेरे उनके साथ पीटीएम चलती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो मैंने उनको बहुत उम्मीदें भरी हैं उनके अंदर। तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब ही दे आर द काइंड ऑफ पर्सन। मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अगर मैं छोटा होता तो मेरे मम्मी पापा ऐसे होते तो बहुत मजा आता मुझे ऐसा हाँ नहीं है कि जो मेरे अभी हैं तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ लेकिन जब किसी के पेरेंट्स वैसे दिखते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये लोग अच्छे अच्छे पेरेंट्स हैं। आज की डेट में मतलब अच्छे पेरेंट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे मतलब पेरेंट्स इतना प्रेशर दे देते हैं बच्चों को, परेशान हो जाते हैं। सेम गोज विद आदित्य। आदित्य के पापा भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी से मेरी उसकी बात नहीं होती उतनी, लेकिन आदित्य फादर इज वेरी गुड। आदित्य बेटा मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर देते हो अलग से। हैं, नो सर। मेरे को लगता है उनका जॉब का ही प्रेशर इतना ज्यादा है कि घर आते आते जूस आउट हो जाते होंगे वो। बोले अरे यार ठीक है, कितने नंबर आए? बोले पापा 72। ओ माय गॉड, वाओ, इतना बोल के खुश हो जाते होंगे। हैं, तो वो घबराते डिबेट देखते हैं सबसे पहले तो। हाँ क्या डिबेट देखते हैं न्यूज़ पे? अच्छा, सर। क्यों अगले दिन लड़के आना होता क्या किसी से? सर उन्हें पॉलिटिकल साइंस बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा, मैं तो बेटा वहां से निकल आया, मैं परेशान हो गया था बहुत, क्योंकि हर दूसरा बंदा बेचारा मोदी के खिलाफ या मोदी के सपोर्ट में बोल रहा था। तो मैंने कहा देश में एक ही मुद्दा रह गया बस, मोदी, तो हम ऊपर से उड़ जाते हैं। हम लोग थोड़े एजुकेशन पे ध्यान दे लेते हैं, कैसे एजुकेशन अच्छी करनी है। आई होप लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो बेटा, अब आर्क को कैसे लिखते हैं और बुक में कैसे लिखा है, इस चीज को हम समझते हैं बेटा, ठीक है? आर्क क्या होती है, आर्क को हम लोग समझते हैं।
ये लिख लिया था ना, किसी किसी मिस तो नहीं हुआ? कुछ मिस हो गया तो मैं पीडीएफ बना के भेज भी दूंगा वैसे। तो आर्क क्या होती है बच्चों? आर्क के लिए हमें क्या बनाना निकालना पड़ेगा? कंपास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्कल बनाता है, क्या है वो? चूड़ियों से थोड़ी बनाते हैं। बोले चूड़ियां बोले कंगना, एग्जाम में वो थोड़ी लेके जाएंगे, ये लेके जाते हैं, क्योंकि चूड़ी कंगन की तो एक ही साइज होती है ना। तो अब इसको लेके कैसे जाएंगे? तो ये हमने बनाया, ये पहले तो मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ये मैंने एक सर्कल बना दी, ठीक है। इस सर्कल के अंदर मैं एक बार इसका कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करने का ऑप्शन है नहीं क्या इसमें? हाँ है तो। अच्छा पलट गया ना। तुम लोगों ने कॉमेडी देखी अभी थोड़ी देर पहले? कॉमेडी हुई। सर्कल का सेंटर हो गया। चलो फिर से देखो, ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक। इसका काम खत्म हो गया, इसको भगा दे। चलो ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा है ए और ये है बी। दो अलग अलग कलर में आपको जो चीज दिखाई दे रही है वो आर्क है। क्या है वो? आर्क। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल मतलब एक कंप्लीट आर्क हो गई। आर्क मतलब उस आर्क की लेंथ की बात होती है, उस आर्क की लेंथ की बात होती है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं बेटा आर्क ए बी, तो मैं बेटा इस वाली आर्क की बात कर रहा हूं जो ग्रीन कलर में है, इसको हम बोलते हैं बच्चों माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क, ठीक। और अगर मैं बोलता हूं आर्क बी ए, अगर मैं बोलता हूं आर्क बी ए, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा इस वाले आर्क की जिसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। दोनों में अंतर समझ रहे हो आप लोग? आर्क बी ए, आर्क ए बी। दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का, हम ए बी लिख के इसके ऊपर आर्क बना देते हैं, हम बी ए लिख के इसके ऊपर आर्क बना देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम आर्क की बात करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने ए बी बोला तो मैं ए से बी पे एंटी क्लॉकवाइज गया। मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, कोई बोले ए बी ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो आर्क की एक डेफिनेशन है, एक रूल है, रूल बुक के हिसाब से बोला जाता है कि आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चली जाती है। घड़ी हमारी ऐसी घूमती है लेकिन आर्क हमेशा ऐसे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक का उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हमने ए बी को देखा तो हमें ये दिखाई दिया ग्रीन वाला पैच, ठीक। और जो ऑरेंज वाला पैच है वो मेजर आर्क है, तो उसको मैं ए बी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो इसको बोला बी ए। लेकिन तुम लोगों की एनसीईआरटी में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो लोग बी ए नहीं लिखते हैं, वो लोग यहाँ पे एक पॉइंट और डाल देते हैं, मान लो पी डाल दिया, तो बोलते हैं आर्क ए पी बी। लोग ऐसे लिख देंगे ए पी बी, मतलब एक पॉइंट बीच में घुसा दिया ताकि तुम्हें समझ में आए कि कौन से आर्क की बात हो रही है। देखो समझ में आ रहा है? जब पी क्यू बोला तो नीचे वाली आर्क बोल दी, क्योंकि नीचे वाली आर्क तो एंटी क्लॉकवाइज है ही, लेकिन ऊपर वाली आर्क के लिए उन्होंने ये रूल बताया नहीं इसमें, पर मुझे रूल पता चला क्यू मैथ में, मैंने जब देखा उसमें ये रूल था कि भैया आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखी जाती। मुझे भी कई सालों तक नहीं पता था, मुझे भी 2 साल पहले ही पता चला है ये एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो यहां से हम देखेंगे तो क्यूपी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बुक में कैसे दिया है? पी आर क्यू। पी आर क्यू इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया इसमें पॉइंट है आर,
बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो देखो, सर इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज देखा ही नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारी बुक में एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया हुआ है। तो तो बुक सर ये गलत है सही है? ये सही इसलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है, जो पॉइंट उस आर्क में आ रहा है। आर जो पॉइंट है वो पी क्यू नीचे वाले में तो आ नहीं रहा, पी यस क्यू सर। कहाँ आ रहा है? ये जो आर पॉइंट है कहाँ आ रहा है? ऊपर वाले में ही आ रहा है ना। तो तुम लोगों की समझ के लिए इन्होंने ऐसा ये तरीका अपनाया है, तो इसको मैं गलत नहीं बोल सकता। एनसीईआरटी की बुक है भैया, इसको हम कहाँ चैलेंज करेंगे? तो मदर ऑफ ऑल बुक्स है। पर मुझे इस बुक में और डिटेल मुझे समझ में नहीं आई कि क्या हम इस तरीके से लिखते हैं तो क्या वो सही है कि गलत है, मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी। लेकिन मुझे इतना पता है कि आर्क को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। तो इस आर्क को जो इन्होंने पी आर क्यू लिखा है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि ये मेजर आर्क है, असल में इसका असली नाम है आर्क क्यू पी। पर बुक ने पता नहीं जिस समय बुक छपी थी उस समय रूल था कि नहीं था, तो उन्होंने इसको आर्क पी आर क्यू दिया, कंफ्यूजन ना रहे कोई समझे कि पी क्यू नीचे वाली है कि ऊपर वाली। तो यहाँ पे एक आर लिख दिया छोटा सा, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? मैंने कुछ ज्यादा ही जूम कर दिया, देखो बोलो दिख रहा है आर? हाँ सर। हाँ ये इन्होंने इसलिए दिया है। और तुम लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो रिसेंट वाली है उसमें भी देख लो, अगर यही दिया है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि पुराने समय में क्या था, आजकल चीजें अपडेट हो रही हैं। तो एक बार तुम देख लो कि तुम्हारे में भी आर दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो मतलब यही है, बुक के हिसाब से हम चलेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आर्क समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। सर बुक में तो ये पार्टी नहीं है। बुक में है ही नहीं, हाँ सर है ही नहीं। सर लेकिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा है नहीं है। चलो ओके सर पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो है ही बेटा, और कोई चारा नहीं है, पढ़ना है ही। ये पढ़े बगैर मैं साइकिल पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा। लिख लो इसको। बुक में शुरुआत कहाँ से है फिर? बुक में शुरुआत हो रहा क्या? एंगल्स एक्सटेंडेड एट बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट से। ठीक है ठीक है, उस पर हम पहुंच जाएंगे, अभी थोड़ा ही टाइम लगेगा। सर्कल हम कोशिश करेंगे कि 4 क्लासेस में खत्म हो जाए। ठीक है, आज पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास है, बाकी की 3 क्लासेस में हम थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, 2-3 मेन थ्योरम्स हैं बेटा, वो पकड़ में आ गई। वैसे तो 9 है, 9 या 10 थ्योरम्स हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया कि क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली मैं यहाँ करके भी दिखाऊंगा, और आप लोग भी रूलर और कंपास लेके अगर बैठोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। ये लिख लिया आपने? नो सर। ओके, हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ हर बार फिगर बनाना है, उस तरीके से मेंशन करना है, कुछ आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आप वैसे भी लिख सकते हो। सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने आर्क BA लिखा है ये सर ठीक है? ठीक है, ये आर्क बी ए सर मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। और जो ए बी है वो माइनर आर्क ओके सर। है। ए बी नीचे वाली है, बी ए ऊपर वाली है, लेकिन बुक में बी ए को इन्होंने APB करके लिखा है, पॉइंट मेंशन कर दिया। दोनों ही वो मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज ले गए, वो लोग क्लॉकवाइज ले गए। तो मेजर आर्क को दिखाने के लिए वो एक पॉइंट और भी इसमें घुसा देते हैं, बता देते हैं कि ये पॉइंट इस आर्क का हिस्सा है, तो इसीलिए हम मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। सर डन। डन। बहुत बढ़िया।
तो आर्क हमें समझ में आ गया, अब हम सेक्टर को समझेंगे बेटा। अब हम समझेंगे सेक्टर क्या होता है। तो आर्क जो होती है बेटा, वो सेंटर में अगर किसी भी आर्क को उसके सेंटर से जोड़ दिया जाए, आर्क के एंड पॉइंट को अगर मैं सेंटर से जोड़ दूं, मतलब रेडियस खींच दूं, छोटी सी बात है, ठीक है, तो मुझे दो रीजन नजर आते। अगर मैंने दो रेडियस खींचे दोनों एंड पॉइंट से, तो मुझे दो रीजन दिखाई देते हैं, और इस रीजन को अगर मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ बेटा, ये तो पेन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। एक रीजन तो ये रहा, एक रीजन तो ये रहा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर, ये जो रीजन है, इसके एरिया की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ, रीजन मतलब एरिया, रीजन का मतलब क्या हो गया, एरिया की बात हो रही है। तो इस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो हम कहते हैं कि कोई भी आर्क सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। तो तुम अपने आप समझ गए होगे कि ये वाला जो रीजन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, और जो ये वाला रीजन होगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। ये दोनों सेक्टर हो गए, सेक्टर को हमने बोला मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जो मेजर आर्क जो सेक्टर बनाती है उसे मेजर सेक्टर बोलते हैं, जो माइनर आर्क सेक्टर बनाती है उसे हम माइनर सेक्टर बोलते हो गया? हो गया बच्चों? यस सर। ओके अब एक वर्ड आता है बेटा इसी में, सर्कल के अंदर ही हमारे पास एक वर्ड आता है, सेगमेंट, ठीक है। तो उसी केस में मान लो एक आर्क है हमारे पास, हमारे पास एक और आर्क है बच्चों, मान लो हमारे पास आर्क है बेटा ए बी। तो ए बी पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, कॉर्ड मिल जाती है। तो कॉर्ड के जो नीचे का एरिया है, कॉर्ड और आर्क दोनों मिला के जो एरिया बनाती हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब क्योंकि पता चल गया माइनर आर्क है, तो एक कौन सी सेगमेंट हो गई, माइनर सेगमेंट, और ये वाला एरिया कौन सा हो गया, मेजर सेगमेंट, ठीक है। यानी हमें क्या पता चल गया अभी तक, मैं पूरा रिवाइज कराते जाता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले हमने
सर्कल की डेफिनेशन देखी, फिर सर्कल के अंदर हमने कॉर्ड समझा, कॉर्ड क्या होता है, फिर हमने आर्क समझा, आर्क लेंथ को समझा, कॉर्ड लेंथ को समझा, फिर हमने सर्कल के अंदर हमने सेक्टर को देखा, सेक्टर के बाद हमने सेगमेंट को देखा। सेगमेंट आर्क और कॉर्ड के बीच का रिलेशन है, एरिया है, और सेक्टर आर्क और उन दो जो रेडियस होते हैं, जो दो रेडियस होते हैं उनके एंड पॉइंट से, उनके बीच का एरिया है। ठीक है, बट ऑब्वियस है सेक्टर हमेशा सेगमेंट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेक्टर का पोर्शन ज्यादा आएगा, सेक्टर का एरिया ज्यादा आएगा, है कि नहीं? लेकिन लेकिन इसमें भी एक जादू है। जादू ये है कि यदि यदि हमने एक डायमीटर खींचा, यदि हमने एक डायमीटर खींचा तो डायमीटर सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो इस हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसी हिस्से को हम अब देखो बेटा, ये जो सेगमेंट है ना, मेजर है ना माइनर है, तो दोनों सेगमेंट तो बराबर हो गए, दोनों सेगमेंट बराबर हो गए, दोनों सेक्टर बराबर हो गए। तो सेक्टर और सेगमेंट कब बराबर होते हैं, जब कॉर्ड आपकी डायमीटर बन जाती है। जब कॉर्ड आपकी डायमीटर बन गई तो हम बोलेंगे उस केस में सेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू सेगमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तब इससे मैं दो रेडियस जो खींचूंगा वो तो यही हो जाएंगे, कॉर्ड ही हो जाएगी, कॉर्ड डायमीटर से लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इस केस में हम बोलेंगे सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर, दोनों तो एरिया ही है, वो रीजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बच्चों। आ रहा है? यस सर, आगे बढ़े। सर सेगमेंट और सेक्टर में क्या फर्क होता है? बेटा सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच में, सेक्टर में देखो ना, यहाँ पे ये बन जाते हैं ना, रेडियस आ जाते हैं, दो रेडियस, तो सेक्टर सर ज्यादा सेक्टर में रेडियस इन्वॉल्व होती है? है, सेक्टर में ही रेडियस इन्वॉल्व होती है, सेगमेंट में नहीं होती, सेगमेंट में कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। वो कॉर्ड जब डायमीटर बन गई तो अपने आप रेडियस बन गई, नहीं तो वो कॉर्ड तो कॉर्ड ही है। तो ओके सेगमेंट हमेशा कम होता है। देखो अगर तुम इसकी बात करोगे, क्या बोलते हैं, एक सेकंड को दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तो क्या बताना चाह रहा हूँ। पोकेमोन देखते हो, पैकमैन खेला है तुम लोगों ने गेम, एक पैकमैन गेम आता था। ओके ओके, खेला है तो बेटा देखो, ये पैकमैन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। सेक्टर समझ में आया कैसे? लेकिन अगर मैं सेगमेंट की बात करता है इसी केस में, तो सेगमेंट देखो कैसे आता है आपका, इसी सेम इसी तरीके का मान लो मैं सर्कल बनाऊं, अगर बोलो, समझ में आ रहा है सेगमेंट और उसकी शेप में? अभी समझ में आया? ये मेजर सेगमेंट है, पीछे के पोर्शन मैंने हटा दिया, मेजर सेगमेंट खाली दोनों केस में दिखाया, मेजर सेगमेंट मेजर सेक्टर, शेप देख लो दोनों की, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, कॉर्ड नहीं है यहाँ पे, रेडियस है, तो ये सेक्टर हो गया और ये सेगमेंट हो गई। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ सर, अभी आ गया, डिफरेंस खत्म हो गया तुम्हारे मन में जो दुविधा थी, हाँ सर, बना लो, पैकमैन वाला शेप भी बना लो, खा जाएगा वो।
तो यहीं सो रहा था। हो गया बच्चों? यस सर। अब बेटा बात करते हैं एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या होता है। ये एक लाइन है और इस लाइन के बाद मैंने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है? मैंने एक पॉइंट भी बना दिया भैया। लो भैया एक पॉइंट हो गया। ये लाइन है, ये पॉइंट है। अगर मैं इस लाइन से इस पॉइंट पे, इस लाइन के एंड पॉइंट से या लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इस पॉइंट पे एक दो लाइनें खींचूं दोनों तरफ से, तो ये एक एंगल बनाएंगी। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो एंगल बी ए सी को हम क्या बोलेंगे? एंगल बी ए सी को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाई बी सी ऑन ए। ये वाली बात समझ आ रही है तुम लोगों को? मैंने बोला एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी है ही, हमें पता है एंगल बी ए सी भैया ट्राइंगल का हिस्सा है, लेकिन पहले तो ये ट्राइंगल था नहीं, पहले तो सिर्फ लाइन सेगमेंट थी और पॉइंट था। तो लाइन सेगमेंट पे दो आंखें लगा दी जाए, मान लो इतनी बड़ी आंख हमने लगा दी, ठीक है? इतनी बड़ी हमने आंख लगा दी, आंख कैसे बनती है ऐसे? ये मान लो बीच में आंख है, इतनी बड़ी आंख अगर यहां से देख रही है तो कोई ना कोई तो एंगल बन रहा होगा। अगर हम ऐसे करके देखेंगे कोई तो एंगल बनेगा, दो आंखों से अगर हम देखेंगे तो एंगल बनेगा। दो आंख मान लो, एक आंख यहाँ एक आंख यहाँ है, तो उनके बीच से एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बनता है हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, कहाँ पे बन रहा है? हम बोलेंगे पॉइंट ए पे बन रहा है। तो एंगल सबटेंडेड समझ गया क्या होता है? तो अगर मैं इसी लॉजिक को सर्कल पे लगाऊं तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड ए बी एट द सेंटर, ठीक है? इसको देखो आप ध्यान से, मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बना दिया और मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड भी बना दी। मैंने एक कॉर्ड बना दी बेटा, ये मैंने कॉर्ड बना दी। तो ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जो है सेंटर पे कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी। बोलो बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो ये जो भी एंगल बनाएगी, इसको मान लो ओ बोल देता हूँ, इसको बी ए और बी बोल देता हूँ, तो मैं बोलूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई। अब दो चीजें बोल सकता हूं बच्चा, एक तो मैं ए बी लाइन सेगमेंट भी बोल सकता हूँ, ऑब्लिक आर्क ए बी भी बोल सकता हूँ। बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? क्योंकि ए बी का भी तो एंड पॉइंट ए और बी ही है, तो ये आर्क ए बी भी ओ पे वही एंगल बना रही है जो एंगल ए ओ बी है। तो इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाई लाइन सेगमेंट ए बी, कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी एट सेंटर। ये वाली बात समझ में आई सबको? हाजिरी जा बेटा। हाँ आदित्य समझ में आ रहे हैं ना अच्छे से? कैसा सर, पढ़ा रहा हूँ? ठीक पढ़ा रहा हूँ। एटलीस्ट स्कूल वाले टीचर से तो सही पढ़ा रहे। अच्छा ओके, लिख लिया, लिख लो इसको। सर इस साल तो स्कूल वाले टीचर्स तो थोड़े अच्छे ही हैं, पिछले साल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे पास हो गए मुझे ही नहीं मालूम। बेटा ऐसे दोबारा मत बोलना। नहीं बोलेंगे सर। अरे आज मैं एक मूवी देख रहा था यार,
क्या नाम था ज्ञान उसका? गीता रानी, मैडम गीता रानी। क्या नाम था मूवी का? मैडम गीता रानी, मैडम गीता रानी प्रिंसिपल थी वो। मतलब साउथ इंडियन मूवी है, बहुत अच्छी है। एक मैडम है, वो प्रिंसिपल बन के आती है स्कूल में, उसकी पूरी दिशा चेंज कर देती है स्कूल में, मतलब पेंट करवाती है, लोगों को मोटिवेट करती है, चंदा भी देते हैं। गरीब स्कूल होता है सरकारी स्कूल, उसमें तुमने शॉर्ट्स बीच बीच में देखे होंगे, आते रहते हैं उसके। उस मूवी में बड़ा अच्छा दिखाया था कि 9th क्लास के कुछ बच्चों को फेल कर दिया गया था ताकि 10th में बोर्ड में स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो। और फिर जब वो फेल हो गए तो माँ बाप ने बोला कि यार तुम तो पढ़ने लायक हो नहीं, बेचारे किसी को टायर की दुकान में लगा दिया, कोई बेचारा बलून फुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैडम ने बोला कि यार इन बच्चों को तुमने फेल क्यों किया? बोला ये बच्चे पास नहीं हो पाए। बोला ठीक है फिर तुम्हारे भी टेस्ट लेती हूँ। तो टीचरों की हालत खराब हो गई। बोला वाह, तुम फेल हो गए ना, तुम्हें भी मैंने नौकरी से निकाल लेना है, क्योंकि टीचरों का टेस्ट थोड़ी होता है, हम लोग एग्जाम थोड़ी देते हैं, एग्जाम तो तुम लोग देते हो। क्योंकि एग्जाम देने पे जब हम बराबर पे आएंगे तो पता चलेगा यार स्टूडेंट तो आगे निकल गया, लिखने की कला उसकी मस्त है। तो कोई बंदा लिख नहीं पाया किसी कारण से, बस फेल हो गया। तो बोला ये बात तो गलत है भैया, उनको बुलाओ। और उसमें से कोई बच्चा मान लो फांसी खा ले, कोई कुछ कर ले, कोई आत्महत्या कर ले, कोई किस दिशा में चला जाए, तो बोला उनको बर्बाद करने वाले आप लोगों, आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया तभी बच्चे फेल हुए हैं। कैसे भी जाहिल बच्चे हो हमें उनके लिए करना ही है, वी आर एट द सर्विस ऑफ द स्टूडेंट्स। हम लोग बच्चों की सर्विस में हैं, इन शेपिंग देयर माइंड। और हमारी क्यू मैथ में जो हमारे फाउंडर हैं उसके क्यू मैथ के मनन कुर्मा सर, उन्होंने हमसे ओथ दिलवाई थी, बोला था कि हमें प्लेज करना है कि वी आर एट द सर्विस ऑफ द स्टूडेंट्स। हम लोग तुमसे फीस ले रहे हैं वो अलग बात होगी, वो साइड में रख दो उसको। पहले हमारी मेन सर्विस क्या है कि आप लोगों का माइंड हमें इस तरीके से शेप करना है कि आप जब फ्यूचर ऑफ द कंट्री या फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बनाओ तो उसमें कुछ ना कुछ योगदान दो।